मोदी जी इतने बौखला गए, मटन मछली मीट मुसलमान हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। दिल्ली की जनता इस बार मनोज बीमारी कहूंगा मैं, वो तिवारी नहीं है, उनको बहुत दूर भगा देगी और कन्हैया कुमार जैसे युवा को हमें सांसद के रूप में देगी जनता, हमें पूरा यकीन है। अपने यहाँ के वो सांसद है पर आज तक भी वो लोकल में नजर नहीं आए, जब भी वो नजर आए वो गाड़ियों में ऐसे हाथ हिलाते हुए नजर आए, इस तरीके का सांसद हमें नहीं चाहिए। जिन्होंने युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ किया है, 4 साल की नौकरी युवाओं को दे रहे देश के और मोदी जी 15 साल के तैयार हो रहे, क्यों रहे हो, वो भी 4 साल में खत्म करो नौकरी अपनी। नमस्कार, मैं हूं शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हमारे खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। एक सीट लगातार चर्चाओं में रही है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट है, क्योंकि यहाँ से 2 बार के सांसद रह चुके मनोज तिवारी मैदान में। दूसरी ओर से गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, मैं एक एक सबसे बात करना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आज कन्हैया कुमार जी? यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है, तमाम ऑटो रिक्शा चालक, तमाम यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता गठबंधन के नेता है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा ये एक देश का बहुत बड़ा पर्व है, इस पर्व के अंदर हर व्यक्ति एंजॉय करता है, इस उत्सव को मनाता है, लेकिन जो एक सरकार थी झूठ की सरकार, वो उसको उखाड़ने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो कैंडिडेट है भाई कन्हैया जी, वो मनोज तिवारी जी को कई लाख वोटों से हराएंगे। इसका एक कारण है क्योंकि मनोज तिवारी जी को ना तो यहाँ पर 10 सालों में किसी ने देखा, ना कोई उनके कार्य है। अगर उनका एक कार्य रहा वो भी झूठा कार्य रहा, तो अब की बार सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही काम, कन्हैया भैया, कन्हैया भैया, कन्हैया। दोनों में लगातार जोर शोर का टकराव है, क्योंकि वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, मनोज तिवारी बिहार से बिलोंग करते हैं और दोनों ही पूर्वा चल के लोगों को लगातार सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस बार जो जोरदार की जो टक्कर है, क्योंकि मनोज तिवारी एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उनकी तो सदा रणनीति रही है हमेशा दूसरे समाज को या दूसरे व्यक्ति को बदनाम करने की। आज हर जो व्यक्ति और जो इंसान है वो दिल से इंडिया गठबंधन के साथ है, और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि कन्हैया भाई इस सीट से जीतेंगे, और तो जीतेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि जो चोर है उन चोरों का सफाया होने वाला है पूरे देश के अंदर से। रोजगार का नाम निशान बिल्कुल खत्म हो चुका है और इंसान ये देख रहा है कि मेरे पेट के अंदर नवाला बचा या नहीं बचा, तो हर इंसान अपने पेट से लड़ाई लड़ रहा है और इस देश के संविधान जो खतरे के अंदर है वो उस संविधान को ही बचाने के लड़ रहा है। मैं सबसे पहले केजरीवाल जी की बात करते, केजरीवाल जी की आज जमानत मिल चुकी है, कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं, क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये सच्चाई की जीत हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, ये सच्चाई की जीत हुई है। आज कन्हैया जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने लोगों का समर्थन लगातार मिल रहा है उनके? समर्थन की तो बात आप यहाँ देख सकते हो, कन्हैया जी चुनाव नहीं लड़ रहे, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर, एक एक आदमी, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग हमारे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो लोगों में रोष है ये अलग ही रोष है। आपने देखा होगा 2014 से मोदी जी ने महंगाई इतनी कर रखी है, नोटबंदी, GST, कारोबार है नहीं, लोग परेशान है। मोदी जी इतने बौखला गए, मटन मछली मीट मुसलमान हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अपने काम के 10 साल के आधार पे चुनाव लड़े मोदी जी, मगर उनको कोई मतलब नहीं इन चीजों से। सिर्फ वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए गठबंधन की सरकार बनना जा रही है इस बार। क्या कहिए, क्या नाम है आपका? मैं महबूब मलिक। महबूब जी क्या कहना चाहेंगे, कन्हैया जी आने वाले लगातार जो गठबंधन उम्मीदवार है कितना समर्थन मिल पा रहा है उनको? और दूसरी बात है, सांसद 2 बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी ने, सबसे कितना विकास किया, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता इस बार मनोज बीमारी कहूंगा मैं, वो तिवारी नहीं है, उनको बहुत दूर भगा देगी और कन्हैया कुमार जैसे युवा को हमें सांसद के रूप में देगी जनता, हमें पूरा यकीन है। केजरीवाल जी की आज जमानत हो चुकी है, ये हम लोगों के लिए नहीं, पूरी दिल्ली वासियों का एक हीरो आज छूट के आ रहा है। भले ही वो अग्रिम जमानत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और इस देश के कानून का हम शुक्रिया अदा करते हैं और बड़े प्यार से इस चुनाव को अरविंद जी के नेतृत्व में 7 सीटें दिल्ली की हमारे आने जा रहे हैं भाजपा को। बात करना चाहूंगा यहाँ पर महिलाओं से, यहाँ कुछ महिलाएं, मैम क्या कहना चाहेंगे? आज कन्हैया जी यहाँ पर आने, तमाम यहाँ पर
लोग मौजूद है, तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद है, लिया गठबंधन के नेता मौजूद है, और किस तरीके से देखती है जी कन्हैया जी को? एक तो युवा साथी है और टिकट मिला है और उनकी जीत पक्की है और हम बहुत खुश है कि हमारे बीच में एक युवा नेता आ रहे हैं जिसे सांसद का टिकट मिला है और अगर वो सांसद बनेंगे तो युवाओं को भी समझ के चलेंगे। सबसे पहले मुद्दा तो ये है, यहाँ से अभी जो सांसद रह चुके हैं दो बार के मनोज तिवारी, किस तरीके से देखते हैं उनके विकास को? जी मनोज तिवारी जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ये आपको भी पता है। इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते हैं, आज तक कोई काम गिनवा दीजिए जो उन्होंने काम किया। अपने यहाँ के वो सांसद है पर आज तक भी वो लोकल में नजर नहीं आए, जब भी वो नजर आए वो गाड़ियों में ऐसे हाथ हिलाते हुए नजर आए। इस तरीके का सांसद हमें नहीं चाहिए। गठबंधन वो टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं सर, जब गठबंधन हुआ और पार्टी बनी और काम हो रहा है तो लोग तो बोलेंगे और लोगों को काम भी बोलने चाहिए। कन्हैया कुमार को गठबंधन कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? बिल्कुल प्रॉपर, आज मैं आम आदमी पार्टी में हूँ और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, आपको पता चल होगा गठबंधन को सपोर्ट मिल रहा है तभी यहाँ खड़े हैं हम लोग। आप आम आदमी पार्टी में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आज जमानत मिली है, कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं, 15 दिन की उन्हें जो जमानत मिली है उसके बाद वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए पहले तो सांस को आंच नहीं होती है, जो भी उन्होंने क्राइम किए नहीं तो उस क्राइम के लिए भी उनको अंदर ले जाया गया और उनपे खूब जांच पड़ताल हुई है और उसका कोई मुद्दा नहीं निकला, इसलिए हमें पता था हमारे केजरीवाल जी दिल्ली के बहनों का भाई वो वापस आएगा और हम और आज जो प्रचार चल रहा है इसका पूरा पूरा उसको समर्थन देगा। वो खुद रोड पे रहने वाला, सड़कों पे रहने वाला इंसान, उसे पता है कि इंसान को कैसे उठ के काम करा जाता है, तो केजरीवाल जी बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाले हैं और हमें पता था केजरीवाल जी आएंगे, उन्हें कोई अंदर रखने वाला नहीं है। 8 बजे उनकी रिहाई होगी और हम लोग सब वहीं पर होंगे। क्या कहना चाहेंगी मैम? कन्हैया कुमार जी यहाँ पर कुछ देर में आने वाले हैं, तमाम यहाँ से लोग उनके साथ शामिल होंगे। बस यही कहना चाहेंगे कि हम सब एक होकर इधर से सीट जीतेंगे ही जीतेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे बहुमत से उन्हें जिताए और बीजेपी को दिखाए कि गठबंधन सरकार इतनी हल्की नहीं जितना हल्की में वो ले रहे हैं। दो बार के सांसद रह चुके मनोज तिवारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में तो यही कहेंगे कि वो जो दिखाते हैं वो है नहीं है, सिर्फ हवाई बातें चलती रहती है और एक्चुअली जब यहाँ चाहिए होता है उनको काम दिखाना चाहिए तब वो अपने देश में चले जाते हैं कि कहाँ से रहने वाले बिहार से वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनका कुछ ज्यादा खास रिजल्ट दिखा नहीं। मैम हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ कहते हैं वो कुछ करते नहीं है, असली जो कहो उसको करके दिखाओ ताकि पब्लिक खुश रह सके, क्योंकि हम पब्लिक के लिए करते हैं तो पब्लिक को आगे आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम मौजूद है और कुछ ही देर में बाद यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी यहाँ पर आने वाले हैं और मैं पूर्व विधायक वीर सिंह दिगान जी से बात करना चाहूंगा। सर किस तरीके से देखते हैं आज कन्हैया कुमार जी यहाँ पर आने वाले हैं और पूरा जनता का सपोर्ट मिल रहा है? देखिए मैं क्या, हर व्यक्ति के चेहरे पर पढ़ लीजिए आप, वो क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, क्या किस तरह से उत्साहित है। आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने, हमारी हाईकमान ने ये फैसला करके कन्हैया कुमार जी को यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से उतारा है कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर। निसंदेह उनकी जीत में कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छे मतों से जीत करके वो संसद में पहुंचेंगे और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये हम सोचित होते हैं। मनोज तिवारी जी गठबंधन को टुकड़े टुकड़े गैंग गैंग के रूप में बताने लगातार निशाना साध रहे हैं। मनोज तिवारी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, इनको जाति पाति का भेदभाव, भाषा और प्रांत का भेदभाव, हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव, यही लोग करते रहे हैं और उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है देश में। इन्होंने वायदा किया था कि हम 15-15 लाख सबके खाते में भिजवाएंगे, 15 रुपए किसी खाते में नहीं आए। इन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ लोगों को हम नौकरियां देंगे, किसी को नौकरी नहीं मिली। अग्निवीर जैसी ये लाके योजना को इन्होंने युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ किया है, 4 साल की नौकरी युवाओं को दे रहे देश के और मोदी जी 15 साल के तैयार हो रहे, क्यों हो रहे हो? वो भी 4 साल में खत्म करो नौकरी अपनी। कांग्रेस क्या लेकर आई है? जिस तरह से उन्होंने युवाओं के लिए 4 साल की नौकरी देकर खत्म कर रहे अग्निवीर में, इस तरह से मोदी जी क्यों ख्याल देख रहे, ख्वाब देख रहे 15 साल का? उनको शर्म आनी चाहिए, वो तो युवाओं से बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तो छोड़ देना चाहिए 3 साल में अगर युवाओं को 4 साल दे रहे हो। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी भाजपा की जब्ती करनी में बड़ा अंतर है, इस देश के लिए
कुछ नहीं किया। देश में 55 लाख करोड़ कर्जा था कांग्रेस के टाइम में, जो आज 200 लाख करोड़ हो गया बढ़कर के। ये कर्जा देश में आज देश का हर एक आदमी नरेंद्र मोदी ने कर्ज बंद कर दिया है, इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस क्या गारंटी लेकर आई है जनता के लिए? जी कांग्रेस 5 गारंटी राहुल गांधी जी दे रहे हैं। प्रत्येक महिला को 8,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए साल का देंगे। इसी तरह से युवाओं को, बेरोजगार युवा जो है उनको मिलेंगे। राहुल जी ने ये वायदा किया, ऐलान किया है कि हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने महिलाओं की गारंटी दी है, सशक्ति गारंटी दी है, और 25 गारंटियां और हैं उनके साथ में। आप उनका गारंटी पत्र पढ़िए, जिसको पढ़ करके अमित शाह और मोदी जी के पैर खुल गए हैं। आज वो बॉन्डर उनके दिमाग में है कि अनाव शनाव बोल रहे, कहते कुछ है और जबान से निकलता कुछ नहीं है। उन्हें अपनी प्रधानमंत्री गरिमा का पता नहीं है। उसने तय कर लिया है कि इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए कन्हैया कुमार जैसे होनहार पढ़े लिखे व्यक्ति को संसद में भेजना जरूरी है। इसलिए हम सब नॉर्थ ईस्ट के लोग, उनका उत्साह देखिए आप, कि हम एक को बुलाते, चार आते और प्रण लेते कि हम कन्हैया कुमार को जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। ये हमने तय किया। आमिर जी 400 पार का लगातार नारा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 400 पार तो भूल गए, अब तो 30 पार का मामला चल रहा है। 400 पार का भूल गए जो बोल रहे थे, आप देखिए कैसी उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई, उनकी जुबान चेंज हो गई, क्योंकि देश के लोगों ने उनको बता दिया कि अब नहीं चलेगा झूठ, अब नहीं चलेगा, खासकर युवाओं ने। आज देखिए आप सभी को जानते हैं, हमारे आज यहाँ अलायंस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता काम है, गरीब लोग मजदूर लोग यहाँ खड़े हुए हैं और उनको कन्हैया लाल को, कन्हैया कुमार जी को अपनी आवाज बनाना चाहते हैं, उनको भेजना चाहते हैं पार्लियामेंट में कि देश की आवाज को, देश के गरीबों की आवाज को वो पार्लियामेंट में उठाएं। ऐसे शक्ति ऐसे नौजवान को आज जरूरत है इस देश को, जो मोदी जी की तानाशाही जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, और वो राहुल गांधी जैसे लोग, कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं जो उनको जवाब देने के लिए सक्षम है। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व विधायक वीर सिंह निगांजी और यहाँ पर जो तमाम जो गठबंधन के नेता है यहाँ पर, और जो तमाम आप काफी संख्या में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार जी यहाँ पर आने वाले हो, यहाँ से ऑटो रैली भी निकली थी जिसमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के नेता तमाम शामिल होंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं कन्हैया कुमार जी यहाँ पर आने वाले हैं? कुछ देर बाद भारी संख्या में, भारी मात्रा में यहाँ रैली निकलने वाली है, जनता से रूबरू होंगे। देखिए जनता में कन्हैया कुमार के प्रति भारी रोष है, खासकर युवा लड़के इसमें जो है इसका कन्हैया कुमार का बहुत बड़ा साथ दे रहे। और जो मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, वो इसलिए दिया था, मोदी को पता था कि तू हार रहा है, और 400 पार का नारा इसलिए दिया था उसने कि पार्टी में उत्साह बना रहेगा, पार्टी टूटने की नहीं, और जनता में एक मैसेज जाएगा। ये उसका झूठा नारा है, उसकी 200 सीट भी नहीं आ रही मोदी की। आज मोदी जो है, हर आदमी जो है मोदी से सब अलग हो गया, उसके जो है चाल चलन को देखकर, मोदी के साथ में कोई नहीं। मोदी एक अडानी अंबानी पे एक इल्जाम और लगा रहा कि कांग्रेस को अडानी अंबानी ने टेम्पो भरकर नोट भेजे, ये उसका झूठा नारा है। मोदी को भेजे होंगे उस रास्ते पर, वो जा रहा था उसे इन बातों का पता, लेकिन जो है राहुल ने कहा तेरे पास ईडी है, ईडी भेज दे मासी, और उनकी ईडी पे जो है छानबीन करवा दे, पता चल जाएगा तुझे। लेकिन मोदी जो है इस टाइम पे हार की कगार पे बैठा, 3 चरणों में चुनाव हो गया, 3 चरणों में मोदी हार रहा, मोदी को ये पता नहीं तुझे कहना के है। अब जा केजरीवाल को भी आज जमानत मिल चुकी है, क्या कहेंगे? केजरीवाल एक इम्पोर्टेड आदमी है, केजरीवाल पढ़ा लिखा इंसान है, कभी जो है उसने कोई इस पर कोई मुकदमाबाजी नहीं है, नौकरी करी बढ़िया नौकरी पर था वो। अगर वो केजरीवाल चाहता बीजेपी से मिलकर अपना घर भर लगता, उसी पोस्ट पे उसकी घरवाली थी, दोनों मिलकर रबो से जो है कमरे भर सकते, लेकिन केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, सारी पार्टी बीजेपी ने दबा रखी थी, केजरीवाल इसे ठाकर चला जब पर उसने सांस भर त्या। सर क्या कहना चाहेंगे, कन्हैया कुमार जी यहाँ पर कुछ देर बाद आने वाले हैं, भारत काफी रस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है, किस तरीके से देखता है इस कैंपेन को? जो कैंपेन है
एक तो जो कन्हैया कुमार है पीएचडी डॉक्टर की उपाधि है, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है नहीं। अरे संसद में जाएगा तो अपनी आवाज उठाएगा, लोगों की आवाज उठाएगा। जिससे भी अभी आपने देखो टीवी डिबेट चल रही थी, सुमित पात्रा इसकी सुन के आवाज हट के चला गया मीडिया से। तो ऐसे इंसान को हमें चाहिए, ऐसे कन्हैया कुमार की आवाज़। सब हम वो कन्हैया कुमार नहीं, सब कन्हैया कुमार है, सारे कन्हैया कुमार है। और कन्हैया कुमार कम से कम 2 लाख वोटों से जीत के आएगा। लड़ेगी दिल्ली जीतेगी इंडिया, लड़ेगी दिल्ली जीतेगी इंडिया, कन्हैया कुमार पक्का जीतेगा। देखिए जिस तरीके से एक लगातार जो नारा चल रहा था कुछ समय पहले कि मैं भी केजरीवाल, आज वो नारा दूसरे नाम के रूप में तब्दील हो चुका है कि मैं भी कन्हैया कुमार। तो सर किस तरीके से देखते हैं आज कन्हैया कुमार जी यहाँ पर आने वाले? कन्हैया कुमार हमारे लोकसभा प्रत्याशी है। मैं आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप जो हमारे गरीबों की रिपोर्ट जो है ऊपर भेजते हैं, और हमारे कन्हैया कुमार अब की बार हम कन्हैया कुमार को भारी मतों से जितवाएंगे, कम से कम 2.5 और 3 लाख के मार्जिन से। क्योंकि कन्हैया कुमार वो शख्सियत है कि गरीब परिवार का बच्चा है, और राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर विश्वास करके, कन्हैया कुमार जी पे विश्वास करके टिकट दिया है। और हमारा फर्ज बनता है कि जमुना पार से अब की बार कन्हैया कुमार, और जो ये 400 का नारा लगा रहे हैं मोदी साहब, आपके जो ने 150 भी सीट नहीं आएगी इनकी, ये अफवाह है खाली और कुछ नहीं है। क्योंकि ना तो रोजगार है, नौकरी नहीं बिल्कुल भी। युवाओं के लिए कहते हैं पकोड़े तलो, पकोड़ा भी कहां तक चलेगा आदमी? खुद तो जो है जहाजों के अंदर घूम रहे, 8.5 करोड़ के जहाज के अंदर, और गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है सर। अडानी अंबानी जो उनके मित्र हैं, मेरे ख्याल से 22 मित्र हैं उनके, जिनको आज अरबों खरबों पति उनको बना दिया। तो अब की बार हम कन्हैया कुमार जी को लेके आएंगे। कांग्रेस तो भारी नहीं, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो मैं तस्वीरों आपको सबसे पहले दिखाने जाऊंगा। यहाँ पर भारी मात्रा में आप यहाँ पर भीड़ सकते हैं। यहाँ पर तमाम मीडिया का जवाब लग चुका है, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है, तमाम गठबंधन के नेता मौजूद है। और तस्वीरों में आप साफ देखते हैं कि यहाँ पर कन्हैया कुमार भी पहुंच चुके हैं, लोग उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाओं से लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर भारी संख्या में आप कतार को देख सकते हैं कि किस तरीके से कन्हैया कुमार का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं शोर उड़ाकर, आप देख सकते किस तरीके से शोर उड़ाकर गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर गठबंधन के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, और कन्हैया कुमार का शोर उड़ाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर कन्हैया कुमार पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर ऑटो के साथ रैली निकलेगी, जनता से कन्हैया कुमार रूबरू होंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कन्हैया कुमार का स्वागत किया जा रहा है, फूलमालाओं से स्वागत किया जा रहा है। मैं समय मौजूद उत्तर पूर्वी दिल्ली में, मैं इस समय वहां मौजूद हूँ जो सीट लगातार चर्चाओं में रही है। क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार 2 बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी है, दूसरी तरफ गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार है, दोनों में जोर शोर से लगातार टक्कर चल रही है। और इसी को लेकर आज कन्हैया कुमार यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर में यहाँ पर एक और ऑटो रैली के साथ निकलेंगे, और लगातार जनता से बात करेंगे। इस पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तमाम ऑटो चालक। ये वही ऑटो चालक है जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लगातार इन ऑटो चालकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जिता कर खड़ा किया था। जिनसे ज्यादा बात में करना चाहूंगा, क्या नाम हुआ था? मोहम्मद यासीन। क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल हाथ आना चाहिए। गठबंधन की जिस तरीके से सरकार चल रही है, 2 बार यहाँ से जो सांसद है मनोज तिवारी ले चुके हैं, किसे सपोर्ट करेंगे आपकी बार? मनोज तिवारी को सपोर्ट करेंगे। गठबंधन तो कन्हैया कुमार जी, ये कन्हैया कुमार जी को हम गठबंधन के साथ हुआ है केजरीवाल और कांग्रेस का, तो हम कन्हैया कुमार जी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरी पूरी जो है मतलब ये है कि ये सीट हर पूरी तरीके से जो है कन्हैया कुमार जी जीतेंगे।
आज यहाँ पर कन्हैया कुमार आने वाले हैं, कितने ऑटो चालक हैं उनकी सपोर्ट जी? उनकी सपोर्ट में कम से कम 250-300 ऑटो चालक हैं, और जो ना पूरी तरीके से बिना किसी लालच के हम उनको जो ना सपोर्ट कर रहे हैं, घर परिवार समेत सभी। मनोज तिवारी को जानते हैं जी? मनोज तिवारी को जानते हैं, दो बार वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इलाके का हाल चाल या इलाके की कोई समस्या के बारे में कोई बातचीत नहीं की। नाम से जानते वैसे नहीं जानते, तो देखा ही नहीं। इस बार क्या करना चाहिए, किसको सांसद रूप में चुनना चाहिए, प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुनना चाहिए? प्रधानमंत्री के रूप में हम राहुल गांधी जी को देखना चाहेंगे, और यहाँ से पूर्वी दिल्ली से सांसद कन्हैया कुमार जी को देखना चाहेंगे, और बाकी है पूरे भारत से जो ना कांग्रेस ही आ रही है आपके निकल कर। 10 सालों में मनोज तिवारी ने कुछ विकास किया है जो आपकी नॉलेज में हो? जी मनोज तिवारी जी साहब ने सिर्फ 10 साल में बैठ के अपने रूम में बैठे होंगे वो, और उन्होंने पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तो बस कांग्रेस पार्टी ही चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। मनोज तिवारी कांग्रेस पार्टी क्यों चाहिए? वो हमारे बाप दादा के टाइम से है जनाब, और सारे काम जो भी करती है ओके करती है, वो कोई भेदभाव वाला काम नहीं उनका, ना जात बिरादरी वाला काम है उनका, सब एक एक गठबंधन से चलते हैं वो। मनोज तिवारी को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं, नाम से ही जानते हैं, आज तक देखा नहीं, कभी आता ही नहीं है वो, यहाँ नाले खाली पड़े रहते हैं, दुनिया भर के पड़े रहते हैं, कभी देखते ही नहीं है वो यहाँ पे आके। वोट में देख लेंगे उनको या फोटो में देख लेते हैं उनको, 10 साल में एक भी दफा नहीं देखा उनको। एक बार जब कोर्ट में अभी आए थे साइन करने के तब देखा, हमने तो दिल्ली के अंदर उन्हें देखा ही नहीं है, सिर्फ यही देखा है कि बस बात भाषण भाषण भाषण, आपके कांग्रेस ने हमने खड़ा किया है मोदी ने हमारे लिए। ये बताओ 14 साल के अंदर उन्होंने कुछ किया है? कन्हैया कुमार जी आ चुके हैं, कन्हैया कुमार आ रहे हैं और वही आएंगे, देख लेना, और जलवायु वही देखना। पहले तो केजरीवाल को आपने सपोर्ट किया था तमाम ऑटो चालक, हाँ तो इस बार भी ऑटो चालक कन्हैया कुमार के साथ खड़े हुए, गठबंधन और गठबंधन ही जीतेगा, हर जगह गठबंधन ही आ रहा है इस बार, फूल मुरझा रहा है और हाथ का मंजा लहरा रहा है। राहुल गांधी राहुल गांधी कन्हैया कुमार क्या कहना चाहेंगे आज कन्हैया कुमार जी यहाँ पर? तमाम जनता मौजूद है, तमाम ऑटो रिक्शा चालक, तमाम यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता गठबंधन के नेता हैं, मैं यही कहना चाहूंगा ये एक देश का बहुत बड़ा पर्व है, इस पर्व के अंदर हर व्यक्ति एंजॉय करता है, इस उत्सव को मनाता है, लेकिन जो एक सरकार थी झूठ की सरकार, वो उसको उखाड़ने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो कैंडिडेट है भाई कन्हैया जी, वो मनोज तिवारी जी को कई लाख वोटों से हराएंगे, इसका एक कारण है क्योंकि मनोज तिवारी जी को ना तो यहाँ पर 10 सालों में किसी ने देखा ना कोई उनके कार्य है, अगर उनका एक कार्य रहा वो भी झूठा कार्य रहा, तो अब की बार सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही काम, कन्हैया भैया कन्हैया भैया कन्हैया। दोनों में लगातार जोर शोर का टकराव है, क्योंकि वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, मनोज तिवारी भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और दोनों ही पूर्वा चल के लोगों को लगातार सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार जो जोरदार की जो टक्कर है, क्योंकि मनोज तिवारी एक तरफ टुकड़ा टुकड़ा गैंग का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए उनकी तो सदा रणनीति रही है हमेशा दूसरे समाज को या दूसरे व्यक्ति को बदनाम करने की, आज हर जो व्यक्ति और जो इंसान है वो दिल से इंडिया गठबंधन के साथ है, और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि कन्हैया भाई इस सीट से जीतेंगे, और तो जीतेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि जो चोर है उन चोरों का सफाया होने वाला है पूरे देश के अंदर से, रोजगार का नाम निशान बिल्कुल खत्म हो चुका है, और इंसान ये देख रहा है कि मेरे पेट के अंदर नवाला बचा है या नहीं बचा, तो हर इंसान अपने पेट से लड़ाई लड़ रहा है, और इस देश के संविधान जो खतरे के अंदर है वो उस संविधान को ही बचाने के लिए लड़ रहा है। मैं सबसे पहले केजरीवाल जी की बात करते, केजरीवाल जी के बाद जमात मिल चुकी है, कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये सच्चाई की जीत हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, ये सच्चाई की जीत हुई है। आज कन्हैया जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितने लोगों का समर्थन लगातार मिल रहा है उनको? समर्थन की तो बात आप यहाँ देख सकते हो, कन्हैया जी चुनाव नहीं लड़ रहे, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर, एक एक आदमी, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग हमारे वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो लोगों में रोष है, ये अलग ही रोष है। आपने देखा होगा 2014 से मोदी जी ने महंगाई इतनी कर रखी है, नोटबंदी, GST, कारोबार है नहीं, लोग परेशान है, मोदी जी इतने बौखला गए, मटन मछली मीट मुसलमान हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, और उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, अपने काम के 10 साल के आधार पर चुनाव लड़े मोदी जी, मगर उनको कोई मतलब नहीं इन चीजों से, सिर्फ वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए गठबंधन की सरकार बनना जा रही है इस बार। क्या नाम है आपका? मैं महबूब मलिक।
महबूब जी क्या कहना चाहेंगे, कन्हैया जी आने वाले लगातार जो गठबंधन से उम्मीदवार हैं, कितना समर्थन मिल पा रहा है उनको? और दूसरी बात है, सांसद दो बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी ने, तब तक कितना विकास किया, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता इस बार मनोज बीमारी कहूंगा मैं, तिवारी नहीं है, उनको बहुत दूर भगा देगी और कन्हैया कुमार जैसे युवा को हमें सांसद के रूप में देगी जनता, हमें पूरा यकीन है। केजरीवाल जी की जमानत हो चुकी है, ये हम लोगों के लिए ही नहीं पूरी दिल्ली वासियों का एक हीरो आज छूट के आ रहा है, भले ही वो अग्रिम जमानत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और इस देश के कानून का हम शुक्रिया अदा करते हैं और बड़े प्यार से चुनाव को अरविंद जी के नेतृत्व में सातों सीटें दिल्ली की हमारे आने जा रहे हैं भाजपा को। देखिए, कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। दिल्ली से शान मोहम्मद, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।